वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज सपना ठाकरे। दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। वी कैन सी हियर बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स यानी सीड प्लांट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेनेरोगैम्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सी, एंजियोस्पर्म मीन्स सीड एंड फ्रूट। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? सीड्स और फ्रूट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में सीड्स होते हैं। हम इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फेनेरोगैम्स। सी, बेंथम एंड हुकर सिस्टम, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड शेप। ये जो सिस्टम है नेचुरल है, और इस वो कौन से बेस पर की गई है? स्ट्रक्चर्स, रिलेशनशिप एंड शेप के ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, इज अ प्री डार्विन बट पब्लिश लेटर। ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम को डार्विन के पहले ही इन्वेंट किया था, बट उसे पब्लिश डार्विन के बाद की थी 1862 to 1863 में। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर गेट इन मोस्ट हर्बेरियम। यहाँ पे ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हर्बेरियम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और यूज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये सिस्टम बहुत ही पॉपुलर ही है। यहाँ पे प्रोवाइड की एक यहाँ पे की यू कैरेक्टर एंड प्लांट फैमिली और जेनेरा प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे दिया है कि दो साइंटिस्ट हैं, बेंथम एंड हुकर्स। उनका फुल नेम है दिस साइंटिस्ट सर जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम, बोथ आर फ्रेंड्स। सर जोसेफ मतलब बेंथम एंड हुकर है, दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे, आपस में बहुत ही ज़्यादा करीबी फ्रेंड्स थे। सी, क्लासिफिकेशन ऑफ फेनेरोगैम्स। दिस इज अ फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मीन्स सीड प्लांट्स। जिस फ्लावर में और जिस प्लांट्स में सीड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेनेरोगैम्स, डाइकोटिलीडॉन, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोटिलीडॉन। सी, व्हाट इज मीन बाय डाइकोटिलीडॉन? डाइकोटिलीडॉन मीन्स, डाई मीन्स टू, कोटिलीडॉन मीन्स सीड्स, यानी विथ टू सीड्स। डाइकोटिलीडॉन में कितने सीड्स होते हैं? टू। ये जो लीफ है वो कैसे होते हैं? लीफी। लीफी यानी डाइकोटिलीडॉन में उसका वेनेशन कैसे होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकोटिलीडॉन। सी, दिस इज अ डायग्राम ऑफ टू सीड्स यानी डाइकोटिलीडॉन। नेक्स्ट वन, जिम्नोस्पर्म। वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी नेकेड सीड। नेकेड सीड्स मतलब जिस सीड को हम अपनी आईज से, मतलब इजीली वो सीड को हम क्या करते हैं? देख सकते हैं। इजीली हम उस सीड को देख सकते हैं अपनी खुली आँखों से, उसको हम कहते हैं नेकेड सीड। उसके हम एग्जांपल आगे देखते हैं। थर्ड टाइप इज मोनोकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन मीन्स सिंगल सीड। मोनो मीन्स सिंगल, कोटिलीडॉन मीन्स सीड। सी, डाइकोटिलीडॉन हैव थ्री टाइप्स, देज आर पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोपेटली, सॉरी मोनोक्लेमाइडी। सी, पॉलीपेटली मीन, पॉली मीन्स फ्री, पॉली मीन्स फ्री, पेटली मीन्स पेटल्स, पेटल्स। सी हर डायग्राम, पॉलीपेटली, दिस आर स्टॉक, दिस इज अ पेटल्स, दिस इज अ सेपल, दिस इज अ एंथर मीन्स स्टैमेंस, स्टिग्मा, दिस इज अ फ्लावर। यहाँ पे जो पेटल्स है, यहाँ पे पेटल्स क्या दिख रहे हैं आपको? फ्री है। कैसे है? फ्री। इसको हम कहते हैं पॉलीपेटली। नेक्स्ट वन इज गैमोपेटली। गैमो मीन्स फ्यूज। क्या होते हैं जो पेटल्स होते हैं? वो पेटल्स कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं, यानी
वो एक मेक को क्या एक दूसरे को क्या होते फ्यूज़ हो जाते। यहाँ पे डायग्राम में देखो, डायग्राम में यहाँ पे देखा है ये जो ये पेटल्स, उस पेटल को क्या क्या है, वो पेटल्स क्या हुए एक दूसरे को क्या हुए फ्यूज़ है। दिस इज़ अ सेपल, दिस इज़ अ स्टॉक। थर्ड वन इज़ मोनोक्लाइमेडी। मोनो मीन्स मोनोक्लाइमेडी मतलब जो पेटल्स होते हैं वो पेटल्स कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक है, सेपल्स है, बट पेटल्स आर एबसेंट। इट इज़ कॉल्ड एज मोनोक्लाइमेडी। नाउ हम अब उसके पॉलीपेटली के और भी टाइप्स दिए हैं, वो टाइप्स को हम देखेंगे। पॉलीपेटली मीन्स कोरोला ऑफ डिस्टिन फ्री पेटल। जो कोरोला होते हैं, कोरोला कैसे होते हैं, फ्री पेटल्स होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेटली। देयर आर थ्री सीरीज हियर। वन फर्स्ट सीरीज थैलामी फ्लोरी। थैलामी फ्लोरी मीन्स पेटल्स एंड स्टैमेंस। पेटल्स एंड स्टैमेंस कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मीन्स अंडर ओरी। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे स्टैमेंस है, स्टॉक के पेटल्स है, गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये जो स्टैमेंस है, सॉरी सेपल्स है, उसके सेपल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो हाइपोगाइनस मीन्स जो ओरी है, ओरी के अंडर क्या होते हैं, पेटल्स और स्टैमेंस होते हैं। नेक्स्ट वन डिसिप्लोरी। डिसिप्लोरी यानी नेक्टरी फेरस डिस्क सराउंड्स द बेस ऑफ द ओरी। यहाँ पे डायग्राम है, सी दिस इज अ नेक्टरी फेरस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। नेक्टरी मीन्स जो हम पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं। थर्ड वन कैल्सिफ्लोरी। कैल्सिफ्लोरी मीन्स पेटल्स एंड स्टैमेंस आर पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मीन्स इपीगाइनस। इपीगाइनस मीन्स ओरी है, ओरी के जो ऊपर क्या होते हैं, पेटल्स और स्टैमेंस होते हैं, और ओरी कहाँ होती है, उसके नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, इपीगाइनस। ओरी के ऊपर क्या होते हैं, स्टैमेंस और पेटल्स। सी सेकंड टाइप ऑफ गैमोपेटली। गैमोपेटली यानी पेटल्स आर फ्यूज। फ्यूज पेटल्स। देज आर सीरीज इनफेरी। इनफेरी इनफेरी मीन्स ओरी इन्फेरियर। इट इज़ अ बैड लाइक हेटरोमेरी। हेटरोमेरी मीन्स ओरी सुपेरियर एंड टू और मोर कार्पल। सी हेयर डायग्राम। देज आर सेपल्स, देज आर कार्पल्स, देज आर कार्पल्स। ओरी कैसे होती है, सुपेरियर होती है, और यहाँ पे ओरी मतलब कार्पेल। कार्पेल क्या होते हैं, 200 ज़्यादा होते हैं। टू और मोर कार्पेल्स आर प्रेजेंट। इट इज़ कॉल्ड एज हेटरोमेरी। बाय कार्पेल, बाय मीन्स टू, कार्पेल मीन्स गाइनोसियम। टू कार्पेल्स प्लस इक्वल और लेस स्टैमेंस। स्टैमेंस यहाँ पे लेस होते हैं, बट यहाँ पे कार्पेल क्या होता है, टू कार्पेल्स आर प्रेजेंट हियर। सी कार्पेल्स आर टू। थर्ड वन इज मोनोक्लाइमेडी। मोनोक्लाइमेडी मीन्स पेटल्स इज एबसेंट। यहाँ पे पेटल्स टोटली एबसेंट होते हैं। हियर सीरीज आर प्रेजेंट। फर्स्ट सीरीज कर्व एम्ब्रियो। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, वर्ड में ही है, कर्व एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो क्या होता है, ऑलरेडी कर्व होता है। एम्ब्रियो कर्व राउंड द एंडोस्पर्म ओविल। सी हेयर डायग्राम। यहाँ पे एम्ब्रियो क्या हुआ है, कर्व है। इट इज़ कॉल्ड एज कर्व एम्ब्रियो। सेकंड वेज मल्टी ओवेलेट। वाटर प्लांट प्लस नंबरस ओविल्स। यहाँ पे क्या होता है, मल्टी ओवेलेट मीन्स यहाँ पे टू और मोर ओविल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज माइक्रो एम्ब्रियो। माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज। एम्ब्रियो कैसे होती है, स्मॉल होती है, जो हम उसको क्या कहते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फोर्थ वन इज अकेलोमाइडोस्पोर्स। ओवरी यूजुअली इन्फेरियर होती है, प्लस उसमें 1-3 ओविल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड फिफ्थ वन यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स सिंगल, सेक्सुअल्स मेल और फीमेल प्लांट। मेल और फीमेल दोनों में से only one present there. Next type gymnosperm. You know that gymnosperm means naked seed. मतलब हम उस seed को अपनी आँखों से देख सकते हैं, we can see easily in our eyes.
There are three types of gymnosperm: cycadels, coniferals, and nettles. For example here, cycadels, example, cycas, coniferals, example of coniferous, and nettles, example of nettles, netum. These are three examples of three types: cycadels, coniferals, and nettles. These are gymnosperm is a fossil plants, living fossil plants. It is a living fossil plant. These are very rarely plants in our earth. Third type is a monocotyledon. Mono means single, and cotyledon means seed. Only one seed present in plant. These are series, fourth series are present here. Microspermy. Microspermy is a ori inferior seeds, very small. Micro means small. Ori kaise hoti hai? Inferior hoti hai. Jo niche hoti hai. Second one, epigyny. Ori yahan pe bhi inferior hoti hai. Seeds large hoti hai. Coronary means corolla, means petals present होते हैं, यहाँ पे sepals totally absent होते हैं और ओरी superior होती है. और calcinia मतलब calyx present होते हैं, यानी sepals, यहाँ पे petals totally absent होती है और ओरी superior होती है. Thank you friends, subscribe my channel and like also. Thank you.